गेहूं के आटे से बनके रेडी होने वाले नाश्ते जो बहुत ही झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं, जिसका रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया मनीष में स्वागत है। आज जो मैं टेस्टी नाश्ता बनाने जा रही हूँ, उस नाश्ता को तैयार करने के लिए मुझे जो सामग्री चाहिए होगा मैं यहाँ पर सब कुछ रेडी करके रख ली हूँ। टमाटर कट करके रख ली हूँ, हरी मटर को कूच करके रख ली हूँ, हरी मिर्ची को कट करके रख ली हूँ और मैं यहाँ पर गोभी को भी कद्दूकस करके रख ली हूँ और गाजर को भी कद्दूकस कर लेना है, मोटा वाले भाग से कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पर मैं प्याज को भी पतला पतला चॉप करके रख ली हूँ और धनिया पत्ता मैं यहाँ पर कट करके रख ली हूँ। हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे और बॉल में जितना सामग्री वगैरह मैं यहाँ पे कट करके रखी हुई हूँ उस सबको मैं इसमें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्जी सबका क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बॉल में रखे हुए सब सामग्री को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सब सामग्री को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि सब सब्जी यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे एक चम्मच लेंगे, जो चम्मच हम लोग घर में खाना पीना खाने के लिए यूज करते हैं उसी चम्मच से हम यहाँ पे नाप करके 6 चम्मच यहाँ पे गेहूं का आटा इसमें डाल देंगे। और अब इसी चम्मच से नाप करके हम यहाँ पे 3 चम्मच सूजी डाल देंगे इसमें। सूजी मतलब रवा, सूजी को रवा भी बहुत जगह बोला जाता है, तो हम इसमें 3 चम्मच नाप करके रवा डाल देंगे। और इसी चम्मच से अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन भी नाप करके डाल देंगे। ये सब डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि सब्जी में से पूरा पानी वगैरह सूख ना जाए, क्योंकि ये कच्चा सब्जी में ना पानी वगैरह बहुत रहता है, तो इसीलिए हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि पानी पूरा इसमें से सूख ना जाए। अब जो मैं यहाँ पे सब कुछ मिक्स करके रखी हुई हूँ उसमें हम थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी, 1 चम्मच भर के पूरा घी डालना है। और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है इसको। अब यहाँ पे हम इसका घोल बना करके रेडी करेंगे। घोल बना करके रेडी करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ही पतला घोल बन जाएगा। तो हमको यहाँ पे ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा करना है, तो इसकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका घोल बना करके रेडी करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा घोल बन करके रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा कद्दूकस किए हुए कच्चा आलू को इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें कद्दूकस किए हुए आलू कितना अच्छा और कितना खिला खिला दिख रहा है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब घोल बन करके रेडी हो जाए तभी हम इसमें कद्दूकस किए हुए आलू को मिलाएंगे, जैसे कि ये अच्छे से मिल जाए। देखिए कितना ही सुंदर दिख रहा है, कितना ही प्यारा दिख रहा है, कलर इसका कलरफुल दिख रहा है एकदम। तो नाश्ता ही देखने में कलरफुल लग रहा है, मतलब बिना बन के ही इतना कलरफुल देखने में लग रहा है। तो सोचिए जब बनेगा तब कितना स्वादिष्ट होगा खाने में। खास करके उन माओं के लिए बहुत ही अच्छा ये रेसिपी होगा जिनके बच्चे लोग सब्जी वगैरह खाने में बहुत ही नकर नुकर करते हैं, तो इसमें उनको सब्जी वगैरह मिला करके दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल, मतलब हाथ पे इसको क्रश करके इसमें अजवाइन डाल दूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट और ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैं यहाँ पे अजवाइन डालने का इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक नॉनस्टिक तवा ली हूँ, तवा के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दी हूँ। तेल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड तेल यूज की हूँ। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब उसके ऊपर हम ये जो बैटर बना करके तैयार किए हुए थे उसको इस पर डाल देंगे। उसको हल्का हाथ से इसको फैला देंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे और बीच में इसको चेक करके देखते रहेंगे कि ये पका है कि नहीं। तो यहाँ पे एक सेट पक गया है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब एक सेट पक जाए अच्छे से तभी इसको हम पलट करके दूसरा भाग पकाएंगे। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से चेक करके देख ली हूँ, तो यहाँ पे एक सेट पक गया है। तो अब इसको हम दूसरी तरफ भी पलट करके इसको पका लेंगे। यहाँ पे गेहूं के आटे से झटपट बन करके तैयार होने वाले नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैं इसको हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करूंगी। ऐसे कि आप लोग देख रहे हैं प्लेट में मैं सबको निकाल करके रख ली हूँ। कितना ही देखने में सुंदर लग रहा है, सोचिए देखने में इतना प्यारा लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी और कितना ही अच्छा होगा।
और ये प्लेट में देख कितना कलरफुल लग रहा है, सोचिए बच्चे लोग टिफिन में देंगे तो बच्चे लोग कितना पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पे हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप लोग भी अपने घर में इस रेसिपी को बना करके ट्राई कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें इतना सारा सब्जी वगैरह मिला हुआ है तो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना स्पंजी बनाए, कितना मतलब कितना सॉफ्ट बनाए, देखने बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। और इसको तोड़ करके मैं दिखा रही हूँ, एक निवाला बना करके भी दिखा रही हूँ, इसको टोमेटो सॉस के साथ खाने में बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।